नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। यूथ कांग्रेस गुरदासपुर ने यूथ प्रधान बलजीत सिंह पाड़ा और जनरल सकत्तर पंजाब के पी पाड़ा की अगुवाई में यूपी के लखीमपुर खेरी में किसानों के नाल हुए दर्दनाक हादसे से रोस रूप योगी सरकार और केंद्र सरकार का पुतला जलाया और जम के नारेबाजी की अते केंद्र सरकार तो दोषियों नूं सजा देने की मांग करते हुए मृतक किसानों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए परिवार के एक मैंबर नूं नौकरी देने की मांग की। इस मौके पर मीडिया नाल गलबात करदिया होया यूथ कांग्रेस जनरल सकत्तर पंजाब के पी पाड़ा ने कहा कि यूपी में योगी सरकार ने किसानों के नाल जुल्म किया है, जिसका हिसाब योगी सरकार समेत केंद्र सरकार को भी देना पवेगा। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों को रद्द करने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार किसानी अंदोलन को खत्म करने लिए साजिशा रच रही है और यूपी में सोची समझी साजिश के नाल किसानों उपर हमला किया गया है, जिसलिए किसानों को जान गवानी पड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार तो मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए और नाल ही शहीदों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक मैंबर को नौकरी दी जाए। देखो इंसाफ टीवी से साडे ब्यूरो दीपक सैन की खास रिपोर्ट। सर, अज यूपी दे विच किसानां दे उपर तशद्दुद होया आ, तुसीं सारा देखिया आ, की कहना चाहोगे? अज तुसीं पुतला भी फुकिया है। कल जो बहुत ही मंदभागी घटना वापरी आ यूपी दे विच, साडे किसान भरावां दे उपर बीजेपी दे जिहड़े सेंटर दे वजीर सी उहनां दे बेटे वालों गड्डी चढ़ा के उत्थे जिहड़े आ साडे काफ़ी किसान जिहड़े आ शहीद करते गए आ। कुछ उत्थे आम लोग भी सी जिहड़े उह वी उहदा शिकार होए आ, और 8 तों 10 लोगों ने जिहड़ी कल उहनां दी शहीदी पाई आ। बहुत ही मंदभागी घटना, और पिछले एक साल तो जिहड़ा ये चल रहा सारा सिलसिला जो किसानों के खिलाफ मोदी सरकार 3 काले कानून लैके आई आ, मैनूं समझ नहीं आ रही कि इन्ना अहंकार इस बंदे दे विच आ गया कि पिछले एक साल तो किसान दिल्ली के बॉर्डर से धरने दे रहे हैं, वख-वख स्टेटा दे विच धरने दिते जा रहे हैं, लेकिन इस मोदी की सेहत पर कोई असर नहीं है। और पिछले एक साल तो करीब 500-600 किसान पहले ऑलरेडी जिहड़े शहीद हो चुके हैं। पता नहीं मोदी साहब के अंदर कि हिटलर की रूह आ गई हुई है, जो शायद जेडे इस तरह के फैसले लै रहे हैं, और मैं समझना कि लोगों के सबर का इम्तिहान लै रहे हैं, लेकिन सबर का इम्तिहान जो लै रहे हैं बहुता लंबा समा मैं लगता नहीं कि लोगों का भी जोड़ा वा ये सबर ये बनया रहेगा। इस करके मोदी सरकार को फिर सख्त शब्दों के धारणा करता कि ये जल्द तो जल्द जोड़े कानून वापस लै लें, नहीं तो आने वाले समय के इन्हों की इट के नाल इट खड़का दी जाएगी। सर, उतों के होम मिनिस्टर के बच्चे का नाम लग रहा जी बच्चे जी, होम मिनिस्टर का बेटा है उसका नाम लग रहा जी। सारी मोदी सरकार का ही हाल आ, जिन्हें वजीर ने सेंटर के चाहे उन्होंने परिवार ने सारे ही जिहड़े आ किसानां दे पिछे हत्थ हो के पए होए ने, और आने वाले समय के इन्हां नूं देश दे विचों चलदा करन लई किसान और सारियां साडियां पार्टी असीं कांग्रेस पार्टी वालों पूरी हमायत करदे आ। कल भी तुसीं देखा होएगा साडी पार्टी दे जनरल सैकटरी श्रीमती प्रियंका गांधी जी नूं रस्ते दे विच इन्हां ने रोक के उन्हां नूं हिरासत च लिया। अज भी साडे पंजाब दे उप मुख्यमंत्री सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी अपने कुछ विधायकों नूं नाल लै गए ने, जिस च साडे गुरदासपुर तों विधायक सरदार बरिंदरमीत सिंह पाड़ा भी गए ने। उन्होंने यूपी के बॉर्डर से रोक दिता, और लगभग उन्होंने नाकाबंदी करके उत्थे किसी भी पोलीटल पार्टी के लीडर जो पहुंचन तो जो रोक रहे हैं, ता जो उन्होंने कालिया करतूतों लोगों के सामने ना आ सकन। लेकिन मैं मोदी साहब ने दस देना चाहना कि जे लोग तुहानू तख्त ते बिठा सकते हैं तो लाउणा भी सानू आउंदा, हुण बहुती देर सबर का इम्तिहान ना लो, क्योंकि सबर के जिहड़े बंड टुट चुके आ, हुण असीं किसी भी हद तक जाण लई तैयार हाँ, असीं अपने किसान भरावां दे लई मर मिटण लई तैयार हाँ। की मंग करदे हो जी, इहदे बच्चे जिहड़े मर गए शहीद हो गए उन्हां नूं इंसाफ दिवाउण लई? असीं इहो चाहुंदे हाँ कि वह जो सेंटर का जो वजीर आ उहदा जिहड़ा बेटा और जिहड़े वी उहदे साथी ने उन्होंने उपर 302 का परचा रजिस्टर होए, और उस परिवारों नूं सरकारी सहायता मिले, और उन्होंने परिवार के सरकारी नौकरी मिल सके, ता जो
वो जो पिछे उन्होंने बच्चे उन्होंने परिवार रह गए हैं वो अपना जीवन जोड़ा वा वो जानवर की कमी तो पूरी नहीं हो सकती लेकिन वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी जी जी सकन। इस करके असी मोदी सरकार को कहने कि जल्द तो जल्द काले कानून वापस लैके साडे किसान भरा जिहड़े अजे भी बॉर्डर से डटे हुए हैं पिछले एक साल तो वो अपने घर के आ के अपने परिवारों से बैठ सकन। इस करके मोदी साहब को मैं कीते बेनती भी करता और सत शब्दों की तारना भी करता कि लोगों का इम्तिहान ना लो बहुत हंकारी सरकार है। सुनिया कि सदाम हुसैन कर्नल गद्दाफी के किस्से सुने से लेकिन अज मोदी साहब के थ्रू असी ये देख भी रहे हैं इन्हों के अंदर भी ऐसी रूह आई हुई है। तुम देखा सदाम हुसैन चाहे कर्नल गद्दाफी हो गया चाहे हिटलर हो गया जिस तरह का अंत उन्होंने होया उस तरह का अंत मोदी साहब और भाजपा का इतों हिंदुस्तान के असी करके छड़ा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इंतकार जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। आओ भाजी बलबीर सिंह रंधावा वासी वार्ड नंबर 29 अज कांग्रेस के समूह कार्यकर्ता ने अते शहर के होर पतवंतियां ने जिला लक्ष्मीपुर के नरसंहार बीजेपी के गृह मंत्री वालों किया गया उसके विरोध के अज मोदी का पुतला फूकया गया। तो इतों ये गल साबित होंगी आ कि जी भाजपा के जोड़े लोग ने जोड़े मंत्री ने उन्होंने मन के किसानों के प्रति जोड़ा वा वो बड़ी दुर्भावना वा जिदे तहत तुम सारे वेख्या ही आ कि उन्होंने कार उत्ते चढ़ा के 10 लोग जोड़े ने कुछ जख्मी कर दते ने कुछ शहीद करते ने। अज वो विरोध के ये सारी जी जनता इकट्ठी हुई ही तो इस गल की सरकार नूं भी चेतावनी है भी इस मसले वाल बड़ा जड़ा गंभीर इस मसले को गंभीर लैके ये वाल ध्यान दिता जाए नहीं तो इसके जोड़े नतीजे आने वाले समय के बड़े गंभीर निकलेंगे। सरकार की ये कोशिश है कि इदा किसानों सा के किसान का जोड़ा शांतिपूर्वक अंदोलन चल रहा उन्होंने तारपीटो किया जाए क्योंकि इन्होंने जाम ला सकी भी किसानों का जोड़ा अंदोलन हिंसक हो गया पर सरकार दाला जीडिया कामयाब नहीं हो बाकी जितों तक मरण वाल गल उन्होंने असी अपने दिलों श्रद्धांजलि दिखे हाँ तो असी उन्होंने किसानी शहीद मानते हैं। तो सरकार दे भी बेनती करते हैं कि उन्होंने परिवार की देखभाल वास्ते उन्होंने एक एक करोड़ रुपया तो सरकारी नौकरी दी जाए तो पंजाब सरकार भी बेनती करते हैं कि उन्होंने जो मान सम्मान बनता उन्होंने दिता जाए। सतिंदर सिंह एम सी गुरदासपुर तो अज असी कल जरा लखीमपुर सेंटर सरकार का मिश्रा जी ने उन्होंने बेटे ने साडे किसानों के उत्ते सोचबद्ध तरीके दे नाल जानलेवा हमला किया और 3 गड्डियां लैके उन्होंने किसानों के उपर चढ़ाइया। एक मिनट की कर दे जो शहीद हो गए उन्होंने और उन्होंने उदे विच 3 गड्डियां नाल साडे 10 किसान शहीद किए एक्सीडेंटल नहीं प्लस वो बनाई हुई साजिश के मुताबिक और उस गड्डियां दे विच जिहड़े उन्होंने यूथ के कार्यकर्ता से उन्होंने गोलियां भी चलाईया फायर भी कटे जिदे नाल साडे किसान दे उत्ते गोली लगन नाल मौत हुई। सर किसानां नूं गुंडे तक कहा जा रहा है और सेंटर सरकार मिश्रे ने एक हफ्ता पहले ये गल अपना बयान दिता भी ये चंद पर किसान जड़े ने वो साडा की कर सकते ने और हुण सेंटर हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर और वो कह रहा है कि किसानों को दूसरे किसान को लठ दो और इन किसानों को भगाओ मतलब कि यह साड़ी जी हिटलर वाली राजनीति है साढ़े से थोपन दे ने असी ए नहीं सवांगे और ये साढ़े सबर का जड़ा ना फल देखते हुए कि कितना चिर सबर कर सकते।